जगदलपुर में कांग्रेस और भाजपा में वार पलटवार जारी। अमित शाह के दौरे पर बोले प्रभारी मंत्री कवासी लखमा। दंतेवाड़ा में निजी स्टील कंपनी के खिलाफ आदिवासियों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। जगदलपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण, आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर सौंपा ज्ञापन। जगदलपुर में जल संकट की समस्या लेकर पहुंचे ग्रामीण कलेक्ट्रेट, ग्रामीण पहले भी पंचायत में दे चुके हैं ज्ञापन। बसना में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लाखों का गांजा हुआ बरामद। नमस्कार, मैं उषा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम छत्तीसगढ़ में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे को लेकर कांग्रेस और भाजपा में वार पलटवार जारी है। तो वहीं आबकारी और बस्तर प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री लखमा ने कहा कि हमारी कांग्रेस की सरकार ने बस्तर के धुर नक्सल प्रभावित इलाके में लोगों की सुविधा के लिए सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था की है। यही वजह है कि अमित शाह आज अति नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के पोकटपल्ली जैसे गाँव का दौरा कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री के बाद दूसरा नंबर का ताकतवर मंत्री है, गृह मंत्री, बस्तर है, स्वागत है। बस्तर पाकिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में आना चाहिए। मैं उसको बता देता हूँ, प्रधानमंत्री को आना चाहिए, उसको भी आना चाहिए, क्यों नहीं आएंगे। लेकिन हम लोग तो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हमको नहीं बुलाया, लेकिन उनको भी काले अब माला पहनने के अलावा नमस्ते भी नहीं किया है, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग कितना बेइज्जती किया है। हमारा बेइज्जती नहीं, उनको हुआ है, क्योंकि बड़ा नेता आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री दो बार आए, बस्तर में आया, दंतेवाड़ा में आया, नागौड़बाज आया, बीजापुर में गया, महेश गागर की सीट खत्म हो गई। तो इसलिए बड़े नेता आने से बस्तर का जनता आशा परे देखता है कि गृह मंत्री आ रहा है तो यहाँ विकास होगा, पीने के लिए पानी के पैसा घोषणा करेगा, नौकरी के लिए घोषणा करेगा, बड़े डैम के लिए घोषणा करेगा, सड़क के लिए घोषणा करेगा। टाइटैपिस देखिए, देश के इतिहास में, देश की जब से आजादी हुई तब से लेकर आज तक कोई गृह मंत्री आकर के हमारे इस बस्तर में एक रात उन्होंने अपने कहते हैं रात्रि विश्राम नहीं किया। यह हमारा सौभाग्य है। पहले भी हमारे गृह मंत्री जब आए थे माननीय राजनाथ सिंह जी, तब वो सुकमा गए थे, और इस बार भी जब गृह मंत्री जी आए थे तब भी वो सुकमा गए, और इनको बोलते हुए शर्म नहीं आती। ये लोग, इनकी इतनी कहते हैं कटसी नहीं है, इतना वो नहीं है कि ये लोग आकर के हमारे कहते हैं गृह मंत्री जी का स्वागत कर सके। ये लोग कहीं ना कहीं से केवल और केवल दिल्ली में जा कर के सुरक्षा की बात करते हैं, दिल्ली में जा कर के बोलते हैं कि हमको फोर्स चाहिए, हमको नक्सलवाद ख़त्म करने के लिए इतने कहते हैं आर्म्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब गृह मंत्री आते हैं तो ये डर करके भाग जाते हैं। जगदलपुर में बस्तर के लोहडीगुड़ा ब्लॉक के 50 से ज्यादा ग्रामीण जगदलपुर कलेक्टर पहुंचे। बता दें कि नियमित रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भगवती पंत की आंगनवाड़ी केंद्र में अनुपस्थिति रहती है, तो वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों की देखभाल और पढ़ाई भी नहीं कराती। गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार समय पर नहीं मिलता है। इन सभी समस्याओं को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की शिकायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी से भी की है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सर नियमित, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र में 11 बजे कभी 12 बजे केंद्र खोलती है, उसके बाद कुछ भी योजना शासन से, जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हो गया, मातृत्व वंदना योजना हो गया, उसका आज तक कोई भी हितग्राही को लाभ नहीं मिला। जैसे रेडी टीवी भी नहीं मिलता है समय में, और बच्चे को भी नहीं पढ़ाते।
इसलिए हम लोग मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोंडीगुड़ा को भी शिकायत पत्र दिए और बाल विकास परियोजना अधिकारी विकास खंड लोंडीगुड़ा को भी दिए। आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। तो वरुण, आए दिन आंगनवाड़ी से ऐसी खबरें आती हैं, इस लापरवाही की खबरें आती हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, क्या कुछ कहना है? जी मैम, होता ये है मैम कि ग्रामीण आपस में संगठित होकर छोटे स्तर पे आसपास के अधिकारियों को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन उनका सही समय में कोई निर्धारित डिसीजन नहीं मिलने के कारण वो परेशान होते हैं। और खास करके ये हो रहा है कि जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे और ना ही उनका कुछ प्रॉपर कहना रहता है। जी मैम, हेलो हेलो हेलो, जी हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मैम जी, जी मैम, प्रशासनिक अधिकारियों का कुछ रवैया टोल मोल कर रहता है मैम, प्रॉपर कुछ कहना नहीं रहता है। और ग्रामीण वासी मतलब ग्रामीण के जितने रहने वाले गांव के वो बहुत ज्यादा परेशान रहते सारे प्रकरण को लेकर, त्रस्त होके वो आए थे, उन्होंने ज्ञापन वगैरह दिया और अभी आश्वासन मिला तो है मैम। धन्यवाद वरुण इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। साफ पानी की आवश्यकता सबको होती है, लेकिन जब साफ पानी ही ना हो तो ग्राम निवासी क्या करें? बता दें कि जगदलपुर मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूरी पर लौंडी गुड़वा ब्लॉक के पोटा नगर के आधार गुड़ापारा में पीने की पानी की समस्या से ग्रामीण ग्रसित है। इसी असमंजस और दुविधा से त्रस्त होकर समस्त ग्रामवासी जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट के पास ज्ञापन देने पहुंचे। वहीं अभी गर्मियों के दिनों की शुरुआत भी नहीं हुई है, ऐसे में आने वाले दिनों में आम ग्रामीणों को क्या होगा? आसपास के सारे ग्रामों की नल एवं बोरिंग फेल हो चुके हैं। कलेक्टर चंदन कुमार ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि इस विषय में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात हो कि ग्रामीण पहले पंचायत में इस विषय पर ज्ञापन दे चुके हैं। सख्ती के हसौद में मानव जीवन को बचाने की दिशा में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर चलाया जा रहा है, जिसमें 132 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। बता दें कि मां महामाया की पावन नगरी ग्राम हसौद में 26 मार्च रविवार को नया बस स्टैंड के पास कैंप लगाकर 26 स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तो वहीं आयोजन को 4 चांद लगाने का काम ग्राम परसदा के खीक राम शाहू, किशन घृत लहरे और चालेश्वर साहू ने किया। रक्तदान शिविर में पहुंचकर खीक राम ने 31वीं बार रक्तदान किया, तो वहीं किशन ने 15वीं बार और चालेश्वर ने 11वीं बार रक्तदान कर शिविर को आकर्षक बना दिया, जो समूचे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आयोजक समिति ने रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर रक्तवीरों को सम्मानित भी किया। रायगढ़ के नेतनागर में चल रहे नहर विवाद के बीच नहर खुदाई का काम अब और तेजी से किया जा रहा है। तो वहीं भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ ही नहर खुदाई का विरोध करने वाले किसानों को नेतनागर से हटा दिया गया है। बता दें कि एसडीएम, तहसीलदार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सीएसटी के साथ भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। वहीं 6 से 8 जेसीबी लगाकर नहर की खुदाई का काम जोर शोर से किया जा रहा है। जो किसान काफी दिनों से नहर खुदाई का विरोध कर रहे थे और आंदोलनरत थे, उन सभी किसानों को नेतनागर से हटा दिया गया है। किसानों को बस में बैठाकर नहर खुदाई वाली जगह से दूर कर दिया गया, ताकि नहर की खुदाई में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इस विषय में एसडीएम काका शर्मा का कहना है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और भूमि के परियोजनाएं हो चुकी है। केलो परियोजना एक वृद्ध सिंचाई परियोजना है। नेतनागर के किसान निर्माण का विरोध कर रहे हैं। किसानों के मुआवजा राशि का चेक जारी हो चुका है।
महासमुंद में पंचायत विभाग के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन की योजना महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क निर्माण की राशि में बड़ा हेरफेर सामने आया है। पूरा मामला पंचायत बसना के ग्राम पंचायत चिमरकेल और ग्राम पंचायत गनेकेरा का है। जानकारी के मुताबिक विद्युतीकरण के नाम पर प्राइवेट ठेकेदार के खाते में 8 से 10 लाख रुपए का घपला किया गया है, तो वही जिम्मेदार अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अब उसका भी ग्राम पंचायत अब किससे करवा रहा है पता करना पड़ेगा। ये आपकी जानकारी में नहीं? पता कर लेंगे उसको। सर, आपके अधीन ग्राम पंचायत आता है, इसकी आपकी आपको जानकारी नहीं है? कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार को जो है संयुक्त रूप से मिलकर इसमें अंजाम दिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? गलत बोल रहे हैं सर, ऐसा नहीं है। अपन कार्य एजेंसी को दिए हैं, अगर कहीं अगर गलत हो रहा होगा तो पता करेंगे और उसमें सुधार कर लेंगे। सर, इसमें जो है विद्युत विभाग का विद्युत बोर्ड जो है ये 6-7 स्कीम होता है, उसमें जो है 800-700 मीटर के लगभग उसमें फ्री रहता है। इस योजना के तहत उसमें काम होना था, बाकी जो है आप उसमें जो है पंचायत के पंचायत के द्वारा जो सुपरविजन योजना के तहत जो है इसमें काम दे दिया जा रहा है। प्राइवेट ठेकेदार को, अपने पसंदीदा ठेकेदार को काम दिया जा रहा है, ये आरोप है इस पर आपका? नहीं, अब इसको तो अब किसको दिए हैं? विद्युत विभाग को पैसा जारी हुआ है, ग्राम अपन कार्य एजेंसी को राशि जारी की है, अब कार्य एजेंसी किससे किया गया इसको पता करना पड़ेगा अपने को। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम गोरीलाल सिदार है, मैं ग्राम पंचायत चिमरगेल का सरपंच में पदस्थ हूँ। ये रीपा का काम जो है आपके पंचायत में हो रहा है जी, जो जी। कितना लागत है, क्या लागत है? 2 करोड़ का है प्रोजेक्ट है। विद्युत विभाग का भी विद्युतीकरण यहाँ पर होना है जी, ट्रांसफार्मर लगने हैं और पोल भी लगने हैं जी। इसमें आपके द्वारा कितना भुगतान दिया किया गया है? 10,36,000। किसको भुगतान किया गया? 1,000 को। ठेकेदार का नाम क्या है? नैलेश कुमार डोंगरे है। नैलेश कुमार डोंगरे। विद्युत विभाग द्वारा आपको कोई जानकारी दी गई कि इसमें निःशुल्क विद्युतीकरण होना है? उसमें तो जानकारी नहीं है। नहीं नहीं, दंतेवाड़ा में एक निजी स्टील कंपनी के खिलाफ हजारों के तादाद में आदिवासी ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और ग्रामीणों के अनुसार कंपनी ने फर्जी ग्राम सभा करवा कर कंपनी के प्लांट से निकलने वाली लाल जहर को जिले भर के कई ग्राम पंचायतों में डंप करवा रहे हैं। यही ये लाल जहर जो कंपनी से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ है, जिसे कई गांवों में निजी कंपनी के द्वारा डंप किया जा रहा है। बता दें कि इससे सैकड़ों एकड़ जमीन बर्बाद हो रही है, एक नदी नाले पूर्णतः प्रदूषित हो जाएंगे। कंपनी को भेजेंगे शासन प्रशासन की ओर से। तो बात यह है कि हमने वहां पर लगातार 2-3 सप्ताह से हम लोग उससे इस लड़ाई को हम लोग हमारे गांव का बात को हम जान निकले वहाँ पर लगातार कुंडली में लगातार 1-2 हफ्ता वहाँ पर हम जा कर मीटिंग की है। इन्होंने कहे कि हम लोग सभी के पास हम लिखित माध्यम से दिए हुए थे, लेकिन MLA के पास गए हुए थे और कोई BJP के नेता के पास गए हुए थे और जिला प्रशासन तक भी लोग लिखित में दिए भाई, लेकिन इनका बातों को नज़रअंदाज किया गया और उसके बाद इनका मन जो है एकदम मनसा जो है इन लोग निराश होकर इन लोग जो करना है करे स्टेप पर, इन लोग उदास होकर वहाँ पर रोना गाना स्टेप पर चल रहा था। वहीं बसना में थाना प्रभारी कुमारी चंद्राकर और उनकी पुलिस टीम ने वाहनों की चेकिंग के दौरान एक लग्जरी गाड़ी से 10 लाख रुपए का गांजा बरामद किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य ओडिशा से लगातार अवैध मादक पदार्थ गांजा का परिवहन किए जाने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक महासमुंद धर्मेंद्र सिंह ने समस्त थाना प्रभारियों को अवैध शराब और अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। के कब्जे से 2 सफेद प्लास्टिक बोरी में भरा हुआ मादक पदार्थ गांजा, 50 किलो 200 ग्राम कीमत का 10 लाख रुपए, एक महिंद्रा स्कॉर्पियो वाहन बरामद किए गए हैं। आपको बता दें आरोपियों के विरुद्ध धारा 20 के तहत कार्रवाई की जा रही है। एक वाहन चेकिंग की पॉइंट लगी हुई थी, तो हमारा स्टाफ जो है सईदुल्लाह वहाँ पे जगदीशपुर रोड पे एक वो लगाया था, वाहन चेकिंग लगाया था, तो उसी दरमियान एक स्कॉर्पियो आई तो उनके रोकने का प्रयास किया गया तो अपनी गाड़ी को भगा दिया, तो पीछे करके हम उनको पकड़े हैं
तो उसके गाड़ी को अगर चेक किए, स्कॉर्पियो गाड़ी था CG05H 54, तो उसको चेक किए तो उसमें दो बोरी रखा हुआ था, उसको खोल के देखे तो 25-25 किलो गांजा रखा हुआ था। तो उसको विधिवत कार्रवाई किए जिसमें दिलीप राठौर और परमेश्वर बरेट, ये दोनों अफरीद थाना सारागांव चापा के हैं, उनको उनसे गांजा जब्ती करके गाड़ी जब्ती किए, दो मोबाइल जब्ती किए हैं। कुल गांजा का कीमत 10 लाख, गाड़ी 5 लाख, टोटल कीमत 15,10,000 रुपये का महसूल का बरामद किया है। अकलतरा में एक युवक को शराब पीने के लिए पैसे ना देने पर दो लोगों ने जमकर मारपीट की, तो वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। अगलतरा में एक नवविवाहिता आंख में झुलस गई जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई, तो वहीं अब पूरे मामले में दहेज के नाम पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाला आरोपी पति पुलिस के गिरहत्ते चढ़ गया है और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। अंबिकापुर के सरगुजा जिले में 1500 से 2000 कर्मचारी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में भाग लेंगे, जिसमें सरगुजा जिले में सबसे पहले सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम कलेक्टर के निर्देश पर राजमोहिनी भवन में रखा गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि केंद्र सरकार अगर जनगणना नहीं कराएगी तो हम आवासहीन लोगों के सर्वे कराने की बात करी थी, जिसके बाद प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के लिए सभी जिलों को निर्देशित किया गया है, जिसके चलते सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने आयोजित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण में अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण की बारीकियां बताने के साथ ही सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं कलेक्टर ने कहा कि अभी विकास खंड अधिकारी लगातार सुपरवाइजरों और प्रगणकों के साथ गाँव का भ्रमण कर कार्य का निरीक्षण करेंगे। छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।